अस्सलामुअलैकुम साजी, अभी कुछ देर पहले आपने नियाजी 99 और स्काईवेज दोनों अड्डे बंद कर दिए है, इसकी क्या वजह है? क्या मजा जा सकता है? अभी देखे ना, इतने लोग हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इन्होंने टिकट खरीदे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने जाना है, अब ये कैसे जाएंगे? अच्छा, सबसे पहले इनके इशू ये था कि पब्लिक की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी कि इनके कोई ओवर चार्जिंग की शिकायत है, गाड़ियाँ लेट जा रही हैं, तो ईद के दिनों में भी इनकी काफ़ी शिकायत थी। तो अब चूँकि ईद की छुट्टियाँ भी कल ही ख़त्म हुई हैं, तो फ़ौरन हमें डी सी साहब के इंस्ट्रक्शन पर हमने कार्रवाई की है, आगे चेक किए, इनके रिक्वायरमेंट्स भी पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की भी वायलेशन है, इस बेस पर हमने इनको सील कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका क्या प्रोसेस होगा, ये कैसे ख़त्म होगा, ये कैसे अब दोबारा गाड़ियाँ चलेंगी? जो जो इनकी वायलेशन है, ये आके अपने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाएं, वहाँ हमें एफिडेविट दें कि जो पब्लिक को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है, लोगों को परेशान किया, काम किया, उसकी वो आके हमें एफिडेविट दे दें, तो इंशाल्लाह हम इनको। आपके पास कुछ सबूत है कि इन्होंने ज़्यादा किराया लिया है? इन सबको हमने नोटिस भी दिए थे इससे पहले, इन सबको कहा अपनी वायलेशन जो है वो दूर कर लें, अगर नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, जो हमने कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। ये अब आपने वो अफसरों की जबानी सुन भी लिया है, अफसरान बाला की जबान से सुन लिया है, ये देखें ये अड्डे सील कर दिए गए हैं। ये अफसरान ने जो बताया वो तो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा किराया ले रहे थे, ये ज़्यादा किराया ले रहे थे, इनके पास रूट परमिट भी नहीं थे, तो ये बहुत सारी वायलेशन कर रहे थे, इसलिए गेटे बंद कर दिए गए। ये देखें, ये स्काईवेज बस टर्मिनल लाहौर बंद रोड पे है जो, और ये नियाजी अड्डा भी बंद कर दिया गया है, नियाजी 99। ये देखें, अब लोग इतने दलीलो ख्वार हो रहे हैं, लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अभी ये फैसल मुबर को भी बंद करेंगे, पता नहीं किस किस को बंद करेंगे, लेकिन मुझे तो ये कोई सियासी खेल लग रहा है, ये कोई सियासी इंतकाम लग रहा है। इतने लोगों, अब इतने मुसाफिर, इतने लोग किधर जाएंगे? ये देखें, लोगों का इतना हजूम है, अब ये लोग नाजरीन से हाजरी ना फैलो, ज्यादती से ज्यादती होती जा रही है, राजपूत कराची वाली भी उन्हें काट देती है, वो पीछे हमारे बड़े आजी का गाड़ी था सदाबार बड़ा दरबार, उसको भी निकाल दिए, लारियटा सील हो गया जनाब स्काईवे लाहौर वाला, और नियाजी 99 में ना सील कर दिता है, उस तो बाद इन्हों सील किया है, यह कारोबारी बंद बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है जनाब, कि साढ़े अजी दौलत साहब का फेरा जाया होगा तो कि उन्होंने नुकसान नहीं होगा कि दम दस्तगीर वाले सदाबार बड़ा दरबार है, बात गचीन आ गमशू गमशू आ बचियो पाजी बचियो, ओ न्यू सुबह आंदी भी गड्डी आ गई, फैसलाबाद वाली गड्डी आ गई, इधर फैसल मुबर सानिया एक्सप्रेस सब पाछो आ गया, वेखो सवारी दलीलो खबार हो रही है। मैं चौधरी हसन साहब का लाइव तुहानू वहाना न्यू सुबह आने जनाब, उस चौधरी हसन साहब राय रात तो ही वेख सकते हो, वो आ गए ने, मामला सारे वेख रहे ने, डील कर रहे ने।